नजरों ने समझा कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पे नंदिनी एक औरत और उसके बच्चे से मिलती है, पर वो ज़्यादा उससे बात नहीं कर पाती है और यहाँ से वो माँ और उसका बेटा ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे जो नम्रता है वो भी देख रही होती है। नम्रता नंदिनी के पास आती है और पूछती है कि ये औरत कौन थी। तो नंदिनी कहती है कि ये मेरी दोस्त है, इसके घर पर पूजा हो रहा है इसीलिए उसने मुझे बुलाया है। यहाँ पर नंदिनी को झूठ बोलना पड़ता है। तभी नम्रता कहती है कि तुम अब जिससे मैं मिलती मुझे लगता है कि मेरे ही बेइज्जती करने के लिए बात कर रही हो। तो यहाँ पे नम्रता चली जाती है, उसे शक तो नहीं होता है। तभी वो घर पे जाकर ये सारी बातें बताने लगती है। तभी यहाँ पे जो दर्श होता है वो कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो अब किसी से भी बात करेगी तो तुम्हारी वजह से ही वो अब किसी से बात भी नहीं कर सकती है। तभी यहाँ पे नंदिनी भी आ जाती है तो चांदनी से देख के कहती है कि नंदिनी तुम इतना दूर क्यों खड़ी हो, माना कि फैमिली लोग गुस्सा हो गए, तुम्हें डांट दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम भी नाराज हो जाओ। तो यहाँ पर नंदिनी कहती है कि मैं अपनी फैमिली को एटीट्यूड नहीं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे वो पूछती है कि तो उतनी दूर क्यों खड़ी हो। यहाँ पे वो बोलने ही जाती है तभी यहाँ पे विनी दौड़ते हुए आती है और उसके सर माथे पे बहुत चोट लगी होती है। तो सब लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी यहाँ पे एक औरत आती है, वो कहती है कि विनी ने मेरे बेटे को बहुत मारा, उसे अभी हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ा है। यहाँ पे वो औरत इसके फैमिली और नंदिनी के बारे में भी उल्टा सीधा कहने लगते हैं, तो जो कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। और सब लोग उस औरत को डांट के यहाँ से भगा देते हैं। तभी यहाँ पे नंदिनी पूछती है कि तुमने उससे क्यों मारा। तो वो बताती है कि वो लोग ना आपके बारे में बुरा कह रहे थे कि आप अच्छे नहीं हो, बुरे हो, ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मैं मारने लगी। तो यहाँ पे यही सब होता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी हो गई होती है और पूजा शुरू भी होने वाला होता है। तभी यहाँ पे राज भी कहती है कि मुझे पता है नंदिनी यहाँ पे नहीं आएगी। तो दर्श कहता है कि मुझे पूरा भरोसा वो जरूर आएगी। यहाँ पे नंदिनी इन दोनों की बातें सुन रही होती है और वो मन ही मन कहती है कि सॉरी ये दर्श से मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊंगी, अगर मैं पूजा करती हूँ तो बीच में से कहीं जाऊंगी तो सब लोगों को शक हो जाएगा, इसीलिए मुझे अभी जाना होगा। तो यहाँ से नंदिनी चली जाती है उस दुकान के पास, पर वो दुकान बंद होता है, पर उसके मालिक से वो मिल लेती है। तो यहाँ पे वो उसके मालिक से टैब लेने की बात कर रही होती है। तो यहाँ पे वो मना कर देता है क्योंकि अभी दुकान बंद है और वो पैक करके गोदाम में रखा हुआ है तो मैं नहीं दे सकता। पर यहाँ पे नंदिनी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है तो वो मान जाता है। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये बात चार्मी को पता चल जाता है, जो नंदिनी का ड्राइवर है वो सारी बातें चार्मी को बता रहा होता है और चार्मी बता रही होती है नम्रता को। तभी यहाँ पे नंदिनी के पास उसी स्टोर के मालिक का कॉल आता है और कहता है कि नम्रता के नाम का किसी औरत का फ़ोन आया था और वो कह रही थी कि ये पुलिस का मामला है। यहाँ पे ये सुनने के बाद वो उसे देने से मना कर देता है। तभी यहाँ पे नंदिनी कहती है कि यही सबूत है जिसे मैं स्थापित कर सकती हूँ, मुझे कैसे भी वो टैप लेना ही पड़ेगा। इसीलिए वो खुद ही गोदाम के अंदर जाने की कोशिश करती है, फिर भी वो जैसे तैसे अंदर घुस जाती है और हर एक जगह टैप ढूंढती है। तब जाके उसे एक टैप मिलता है और उसे वो चार्ज करके देखती है कि वो वही वाला है कि दूसरा है। और यहाँ पे नम्रता भी इसी जगह पे पहुंच जाती है और नम्रता सोचती है कि यही गोदाम के पास ही आई होगी, मुझे जाना होगा। जैसे ही वो अंदर घुसती है यहाँ पे नंदिनी टैप लेकर कहीं छुप गई होती है। तो बस आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।